आज SDM कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में बाजार को खोले जाने और कोरोना के संक्रमण न हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने अपनी राय इस बैठक के दौरान रखी। SDM गोपाल सिंह वर्मा, CSP विकास पांडे सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान शामिल हुए। SDM ने कहा कि कोरोना के असर को कम होता देख अब बाजार में छूट देने की तैयारी की जा रही है। बाजार खोलने के साथ साथ क्या सावधानी बरती जानी है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही ब्लॉक स्तर पर की गई चर्चाओं को अब जिला स्तर पर होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सामने रखे जाएंगे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। प्रशासन की तरफ से बैठक रखी हुई थी, आज ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी। जैसे कि अब विदिशा शहर में केसेस कम आ रहे हैं, तो इसको लेके आगे लोगों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और किस प्रकार की सख्ती रहेगी, इससे रिलेटेड चर्चा हुई यहाँ पर। और जो यहाँ पर निर्णय लिए गए, अभी जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, उसमें और डिसीजन लिए जाएंगे। आज विदिशा अनुविभाग की ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर नियंत्रण है, मरीजों की संख्या कम आ रही है, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जो लॉकडाउन है उसमें कुछ ढील दी जाएगी आम जनजीवन को सामान्य करने के लिए, और आम जनजीवन को थोड़ा सा कुछ सुविधाएं मुहैया हो जाएं, इस बाबत ये आज बैठक की गई थी। तो इस बैठक के जो निर्णय होते हैं वो हमें जिला स्तर पर भेजने होंगे। आज जिला स्तर की भी बैठक है, तो हम उसको जिला हमारे जो निर्णय हुए हैं वो जिला स्तर पर भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।